धन्यवाद आप लोगों का और जो भी साथी जुड़े हैं बामसेप की उपलब्धियों पर जानकारी लेने के लिए और देने के लिए। बामसेप का उपलब्धियों को बहुत विस्तार में तो व्याख्या करना मुश्किल है कम समय में। एक बात हम सभी को ध्यान रखनी चाहिए, बामसेप खुद में एक उपलब्धि है। आप इसको ऐसे समझेंगे कि बामसेप से पहले राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा और अनुशासित कोई संगठन खड़ा नहीं हुआ जिसने संगठन के नाम पर अपनी एक योजना बनाई हो और उसको लागू किया हो पूरे देश में। सो एक संगठन बन के आया, एक प्रशिक्षित लोगों का संगठन बना, अनुशासित लोगों का संगठन बना और ऐसे लोगों का संगठन बना जिसने समाज को हर तरीके से अध्ययन किया, राजनीतिक तरीके से अध्ययन किया, सामाजिक तरीके से अध्ययन किया, आर्थिक तरीके से अध्ययन किया, धार्मिक तरीके से अध्ययन किया, शैक्षिक तरीके से अध्ययन किया। ये हर तरीके से जो समाज की स्थिति है, समाज की जो हालात है, उसका अध्ययन किया। ऐसा एक संगठन बना बामसेप के रूप में। दूसरा, जो बामसेप की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी उपलब्धि जिसको हम कह सकते हैं और ये प्रमाणों से आप समझ सकते हैं कि जो ये जो SC ST OBC जिसको हम बोलते हैं, इनको जो आपस में लड़ाकर, इनको बेवकूफ बनाकर, इनको इस्तेमाल करने का जो एक खेल धंधा सा एक जो बना हुआ था, उसके पीछे जो ताकतें थी उसको भंडाफोड़ करने का जो काम है वो बामसेप की एक सबसे महत्वाकांक्षी उपलब्धियों में एक उपलब्धि है वो। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, उससे पहले हम अपने को गाली देते रहते थे आपस में ही, एक दूसरे को भला बुरा कहना, बुराई करना, कमियां ढूंढना और एक दूसरे से दूरी बनाने में हम लगे रहते थे जातियों के रूप में, जितना भी SC ST OBC है। लेकिन बामसेप के अस्तित्व में आने के बाद ये जो आपसी जो एक लड़ने भिड़ने की जो आदत थी उससे हम बाहर निकले और उससे बाहर इतना निकले कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, अलीगढ़ में रहा, तो वहाँ सबसे अशांत शहरों में, हिंदू मुस्लिम दंगों में अलीगढ़ हमेशा फ्रंट पे आ जाता था उसकी चर्चा। लेकिन बामसेप ने वहाँ के जो तकरीबन 52 मोहल्ले हैं, ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ शेड्यूल कास्ट और मुसलमान एक साथ रहते हैं, तो वहां जाकर के ये समझाया कि ये जो है हमारे खिलाफ किस कौन साजिश करता है और कैसे करता है। और वहां लगातार मीटिंग्स ली, जम के लंबी लंबी चर्चाएं की, बड़े पैमाने पर वहां ये जानकारी उनको उपलब्ध कराई। तो आप देखेंगे कि 81 के बाद, 81 तक मैंने देखा वहां, आखिरी जो दंगा था मैं खुद उसमें फंस गया था, लेकिन उसके बाद वहां दंगा नहीं हुआ अलीगढ़ में, कोशिशें बहुत हुई। तो उसका कारण यही था कि बामसेप ने ये जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं और शेड्यूल कास्ट हैं, ओबीसी हैं, उनको नजदीक लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, मतलब सच्चाई दिखाई। और सच्चाई दिखाई कैसे कि इन सबका जो इस्तेमाल हो रहा था वो इस्तेमाल के पीछे की रणनीति को समझाया गया कि भाई ये सबको बेवकूफ बनाकर, सबके हिस्से का खाकर कैसे इनको लड़ाया बिठाया जा रहा है आपस में। ये पूरे देश में बामसेप ने बहुत ही सफलता के साथ समाज को जागरूक करने में कामयाबी हासिल की। तो
तो बामसेप की सबसे पहली उपलब्धि खुद बामसेप है, जैसे जाकरडे जी ने बताया और प्रदीप ने बताया। बामसेप ने किया क्या? बामसेप ने समाज के लिए लोगों को जीना सिखाया। बामसेप से पहले क्या था कि सब अपना अपना एजेंडा लेकर के चल रहे थे, और हालत यह थी कि एक छोटी सी भी, अगर मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे वो किसी भी इलेक्शन में हो, और उसके लिए हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाते थे, और किसके आगे खड़े हो जाते थे, जिसकी आबादी बहुत कम है, और वो हीरो बना हुआ था, देश के देश को चलाने का ठेकेदार भी बना हुआ था वो। तो बामसेप ने उस दिशा में लोगों को सोचना सिखाया और लोगों को ये विश्वास दिलाया कि हम देश के शासक बन सकते हैं, हम देश पर राजकाज कर सकते हैं, हमारी आबादी भी ज्यादा है, हमारा सामाजिक इतिहास भी एक ही है, हमारे हालात एक हैं, और हमारा जो दुश्मन है वो भी एक है, तो हमें एक होकर के इस देश की शासन की जो बागडोर है, प्रशासन की जो बागडोर है, वो हमें हमारे हाथ में लेनी चाहिए, ये हम ऐसा कर सकते हैं, इसका जो विश्वास था, भरोसा था, वो लोगों में नहीं था बामसेप से पहले। लोग मान चुके थे भाई हम तो किसी काम के ही नहीं है, जानवरों की तरह जीने का जीना यही हमारी वो है, लिखा हुआ है हमारे उसमें, और इससे ज्यादा हम बेहतर जीवन के हकदार नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल कर लोगों को सोचना सिखाया और लोगों को भरोसा करना सिखाया कि हमें अपने ऊपर ये भरोसा करना चाहिए कि हम हमारी ताकत को संगठित कर सकते हैं, हम हमारे बीच में से जाति का जो झगड़ा है, जाति की जो सोच है, उसको निकाल सकते हैं और एक बड़ा समाज जो हमारा इतिहास है वो बना सकते हैं, और ऐसा समाज बना करके हम इस देश की शासक कौम बन सकते हैं। तो ये क्योंकि हम लोग जब शुरुआती दौर में मैं विद्यार्थी जीवन से ही बामसेप की जो विचारधारा थी 15 बनाम 85 की, तो वो जब 85% की कंसेप्ट जो इतिहास है, जो जमीनी हकीकत है, ऐतिहासिक हकीकत, वो लोगों के सामने जब रखते थे, चर्चा करते थे, तो लोग इतना ज्यादा आपस में जाति के नाम पर लड़ना भिड़ना मारकाट और ये छुआछूत भेदभाव गाली ये सब आपस में इतना ज्यादा डूब चुके थे कि उनको बहुत ही आश्चर्य सा होता था। कई बार लोग गालियां देने लगते थे, क्या ये तुम किसकी बात कर रहे हैं, क्या ओबीसी की बात कर रहे हैं, क्या किसकी बात कर रहे हैं, अरे ये तो ऐसे ओबीसी वाले हैं तो उनमें आपस में, अरे तुम किन की बात कर रहे, ये तो ऐसे ही हैं। और ओबीसी में SC ST के खिलाफ माहौल बना हुआ था, देखो ये जो है ना ये तुम्हारा हक खा रहा है, ऐसा उनको बताया जा रहा था, और ये देखो जो है ना कल तक जो ये जूते गांठते थे, ये गंद साफ करते थे, ये जो है ना ऐसा करते थे वैसा करते थे, ये देखो अभी रिजर्वेशन की वजह से कांग्रेस ने इनको सिर पे चढ़ा दिया। तो ये इस तरह का जो माहौल बना हुआ था समाज में, उस माहौल से, उस सोच से लोगों को निकालने में बामसेप का जो कैडर कैंप सिस्टम था, और जो फिर बाद में राष्ट्रीय अधिवेशन, राज्य अधिवेशन, जिला अधिवेशन, इस तरह के जो कार्यक्रमों में जो चर्चाएं हुई, वो बामसेप ने बहुत बड़ी समाज में ये एक नई दिशा दी, नया संस्कार दिया। इसके अलावा जो उस वक्त और आज भी बामसेप ने एक जो सिद्धांत गढ़ा कि महापुरुषों की पूजा नहीं चाहिए, महापुरुष जो हैं जिन्होंने समाज के लिए सब कुछ त्यागा, कुर्बान किया, जिंदगी कुर्बान की, वो पूजने की चीज नहीं होते, वो जयकारे लगाने की चीज नहीं होते, वो अनुकरण की चीज होते हैं, समझने की चीज होते हैं, अध्ययन की चीज होते हैं, और वो हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, हमें उनको एक मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक के रूप में अध्ययन करना चाहिए
और वो क्या चाहते थे इसको समझना चाहिए। और इसके लिए मूर्ति से और तस्वीरों से हटना पड़ेगा। हाँ, वो खाली जयकारे जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो उससे कुछ बनने वाला नहीं है, ना महापुरुषों का बनता है ना समाज का बनता है। तो बामसेफ ने ये जो पूजा पाठ के बजाय महापुरुषों के आंदोलन से लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया, समझाया, बताया कि भाई ये जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारा जो भविष्य है, पूजा पाठ से नहीं बनने वाला है। महापुरुषों की मूर्तियां लगा लो, तस्वीरें लगा लो, और वो जयंती पर जयकारे लगाने के लिए तो तकरीबन 10 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ के आसपास कहीं मतलब पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन आंदोलन के नाम पर, मतलब आंदोलन मतलब जो महापुरुष चाहते थे, सामाजिक क्षेत्र में क्या चाहते थे, राजनीतिक क्षेत्र में क्या चाहते थे, आर्थिक क्षेत्र में क्या चाहते थे, शिक्षा के क्षेत्र में क्या चाहते थे, दुश्मन के मुकाबले खड़े होने के लिए कैसा संगठन, समाज और गतिविधियां, रणनीति चाहते थे, ये सब फोकस करने का एक बामसेफ ने लोगों को एहसास कराना शुरू किया। अगर बामसेफ नहीं होती तो ये होता नहीं, ये बिल्कुल कंफर्म बात है। इसका बिल्कुल और कोई हमारे पास में इस तरह का ना संगठन खड़ा हुआ और ना इस तरह की रणनीति, ना इस तरह के कार्यक्रम खड़े हुए जो लोगों को हमारे महापुरुषों के ये तस्वीरें, मूर्ति पूर्तियों से हटा करके आंदोलन के तरफ लोगों को मोड़ता और आंदोलन समझ करके उसके लिए पैसा लगाना, आंदोलन के लिए समय लगाना, आंदोलन के लिए दिमाग लगाना, सारे संसाधन जो है वो आंदोलन के हिसाब से लगाना, ये लोगों का चिंतन शुरू नहीं होता अगर बामसेफ नहीं हुई होती तो। तो इसलिए ये बामसेफ की जो उपलब्धियां हैं उनको हम एक तो वैचारिक धरातल पर, कि जैसे होता क्या है, ये आपने मिशनरी संगठन का नाम लिया, लेकिन मिशनरी संगठन होता क्या है? मिशनरी संगठन समाज को वैचारिक तौर पर, संस्कारित तौर पर तैयार करता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। और दूसरा जो मिशनरी संगठन का काम होता है वो ये होता है कि जब समाज और आपके स्वार्थों में टकराव हो, जैसे मान लीजिए आपका कहीं निजी स्वार्थ सामने आ गया और समाज का स्वार्थ सामने आ गया, तो मिशनरी संगठन लोगों को ये प्रेरित करता है, समझाता है, बताता है, उनको एहसास कराता है कि समाज के हित के आगे आपका अपना निजी हित कुछ भी नहीं है, उसको आप छोड़ दो। अगर ये ऐसा चरित्र, संस्कार, ऐसी जो है वो सोच, ऐसा मतलब सिद्धांत अगर बन जाता है तो वो समाज बहुत शक्तिशाली होता है, चाहे संख्या में कितना ही कम क्यों हो। हम तो भारी भरकम संख्या में होते हुए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि हम अपने स्वार्थ पर समाज का जो स्वार्थ है वो कुर्बान कर देते हैं। समाज के स्वार्थ पर अपना स्वार्थ कुर्बान नहीं करते, अपने स्वार्थ के लिए समाज के स्वार्थ को कुर्बान कर देते हैं। समाज को धोखा देना है, भाड़ में जाए समाज, हमारा क्या लेना देना। और होता क्या है, फिर बाद में वही जो हालात हैं, जो इस आदत की वजह से जो बर्बादी के जो हालात बनते हैं वही बन जाते हैं। तो ये एक जो चरित्र, जो निर्माण का काम, समाज के प्रति वफादार रहना, समाज के लिए सब कुछ त्याग कर देना, समाज को लिए अपने को झोंक देना, ये जो एक सोचने की आदत जो डाली वो बामसेफ की वजह से पड़ी। बामसेफ के पहले ऐसे हालात नहीं थे। अगर आप जैसे बामसेफ का जो नींव है, अगर हम से 71 को अगर मान के चलें और 73 में इसका नामकरण हो गया, तो जो संकल्पना बनी कि ऐसा संगठन बनाना चाहिए, और उस वक्त एक बड़ी आसान भाषा में संकल्पना बनी कि हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है उसकी गैर राजनीतिक जड़ें नहीं है,
और हैं तो बहुत कमजोर हैं, इसलिए हमारे जो महापुरुषों का जो राजनीतिक आंदोलन है वो सफल नहीं होता, मतलब हम शासक नहीं बन पाते हैं। उसका कारण इतना ही है कि जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं समाज की वो हमारी लगी नहीं है, या फिर लगी है तो इतनी ज़्यादा कमजोर हैं कि वो राजनीतिक सत्ता वर्ग बनने के लिए जिस तरह की जो खुराक होनी चाहिए उस फील्ड के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए, वो समाज से मिलती नहीं। न तो दिमागी खुराक मिलती है, ना आर्थिक खुराक मिलती है, ना संगठन के तौर पे खुराक मिलती है, ना कोई प्रोग्रामिंग के तौर पे, ना रणनीति के तौर पे, और ना ही एजुकेशन के जानकारी अध्ययन के तौर पे। सो ये कैसे स्थापित होगा? हमारे पास जागरूकता फैलाने के लिए जिस तरह की जो प्रचार तंत्र चाहिए वो तंत्र भी नहीं है। किसी भी समाज का जो दिशा का निर्माण है, जो वैचारिक निर्माण है, वो प्रचार पर निर्भर करता है, और प्रचार तंत्र हमारा बिल्कुल कमजोर है। मान लीजिए अगर हम संगठन के तौर पर ही प्रचार करते रहेंगे तो कितना कर सकते हैं। हमसे जो ज्यादा जिसके पास में प्रचार तंत्र है वो तो हमारी सारी मेहनत पे एक झटके में पानी फेर देगा, तो वो टक्कर का सारा जो है प्रचार तंत्र भी चाहिए। अब इतना जो सारा अगर समाज को सिखाना है, समझाना है समाज को, ये सब बहुत ही ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, जटिल चीजें हैं ये। जैसे कि हमारे खिलाफ जो ताकतें हैं वो कैसे काम करती हैं, अब ये किसी हम सब्जी बेचने वाले को, हल चलाने वाले को, उसको मजदूर को, या अनपढ़ आदमी किसी भी तरीके का, या लेबर क्लास को अगर हम समझाने लगेंगे तो आसानी से उसको समझ नहीं आएगा, उसको कई जो है वार में समझाना पड़ेगा, उस पर भी कितना समझेगा कितना नहीं समझेगा वो एक अलग बात। लेकिन अगर हम एक समझदार लोगों का अगर एक संगठन खड़ा करते हैं, और वो संगठन पहले अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सदस्यों को ढंग से इन बारीकियों को समझा देता है, जानकारियां देता है, तो वो फिर वो समझ जाता है। इसी तरीके से जैसे समाज का एक मान लीजिए एजेंडा है, अभी क्या है, आप जिधर भी देखेंगे अगर बामसेब को छोड़ दें तो किसी के पास समाज का एजेंडा ही नहीं है, हर आदमी अपना अपना एजेंडा लिए घूम रहा है। कोई संगठन बनाया तो बड़ा छोटा सा एजेंडा है, और अगर कहीं छोटी संस्था बना ली तो बड़ा बहुत छोटा एजेंडा है। लेकिन समाज का एजेंडा क्या होना चाहिए ये लेकर के समाज में जाने की जो हिम्मत है वो केवल बामसेब ने दिखाई। बामसेब ने समाज का एक एजेंडा बनाया और उस एजेंडे के हिसाब से समाज को क्या जानकारी देनी है, क्या जानकारी नहीं देनी है, किस मुद्दों में, किन बातों में उलझने से समाज को बचाना है, और किन मुद्दों पर समाज को सक्रिय करना है। ये जो प्लानिंग है, रणनीति है, ये जो हमारी जो कार्य करने की शैली है वो बामसेब ने सिखाई। इसी तरीके से जो एक बहुत ही उच्च कोटि की जो उपलब्धि है, जो आप लोग ज्यादातर कार्यकर्ता कभी कभी जब भूल जाते हैं, या कोई भी सिंगल कार्यकर्ता भी भूल जाता है, तो फिर वो परिणाम नहीं दे पाता अपनी मेहनत का जो आना चाहिए, जो बामसेब के हिसाब से मिलना चाहिए। वो उपलब्धि ये है कि हमारा जो कार्यक्रम है, हमारे जो मुद्दे हैं, हमारा जो एजेंडा है, वो डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई दूसरा तो आक्रमण कर रहा है अपने एजेंडे से हमारे ऊपर और हम उससे बचते घूम रहे हैं। आपको अगर इस देश की डोमिनेंट कम्युनिटी बनना है, प्रभुत्ववादी अगर समाज बनना है, शासक समाज बनना है, तो एजेंडा आप डिक्टेट करो। आपका एजेंडा ऐसा होना चाहिए जो ऑफेंसिव हो, आक्रामक हो, आक्रमण करने वाला हो। मतलब जो आपके खिलाफ ताकतें हैं उनकी लगातार उनकी शक्ति को कमजोर करता रहे, छीण करता रहे, उन्हें बचाव की मुद्रा में लाके खड़ा कर दे। इस तरह का एजेंडा आपको अपना बनाना चाहिए, तब आप शासक बन सकते हैं।
डिफेंसिव रहने वाली कौम, डिफेंसिव रहने वाले लोग, डिफेंसिव रहने वाला समुदाय, ये कभी शासक नहीं बनता। जो खुद को हमेशा बचाने में लगा रहे और दूसरे का इंतजार करे कि भाई वो कब हम पे आक्रमण करेगा तब हम खुद को बचाएंगे, तो शासक वही बनता है जो पहले आक्रमण करता है। अगर आप आक्रमण करने की शैली नहीं अपनाएंगे, सोच नहीं बनाएंगे, आपकी जो 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 कार्य प्रणाली है, रणनीति है, वो आक्रामक होनी चाहिए। ये बामसेब ने जो है शुरुआत की, और उसके हिसाब से आप देखेंगे कि जैसा इन्होंने जाकरडे जी ने बताया भी था, बहुत सारे संगठन बामसेब की विचारधारा की नकल करते हुए खड़े हुए। तो नकल तो नकलची टाइप ही लोग पैदा करती है, तो उनका जो हस्र है वो हमारे सामने है। बहुत सारे संगठन बने हैं, हमारी अपनी कुछ कमजोरियां रही होंगी, हम ये तो नहीं कहते, लेकिन हमने जो समाज को दिया बामसेब संगठन के तौर पर और जो अभी हम दे रहे हैं, उसने हमारे दुश्मन का बिल्कुल जो खेल है वो बिगाड़ दिया। आप देखो कट्टर जो मतलब आरएसएस है, जहां केवल ब्राह्मण ही हुआ करते थे, एक आधा कोई ठाकुर रहा होगा उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव में, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल फ्रंट है आज वो भी उनका जो सरसंचालक है वो बोलता है कि आरएसएस को बामसेब जैसा संगठन खड़ा करना चाहिए। अब उसके पीछे उसके क्या मतलब है, क्या अर्थ है उसका, वो तो एक अलग बात है, मगर वो ऐसा बोलने लगा है। इसका मतलब कुछ तो हमने आक्रामक तरीके से उनको हिलाया है, चोट दी है, मजबूत चोट दी है। तो ये होने से ये हुआ कि जब हमने समाज को तैयार करना शुरू किया विचारधारा से, तो एससी एसटी जो ओबीसी है उसमें ये खेल समझ में आने लगा, जो उनके हक उनका हिस्सा जो है वो मारने का, बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा था। अब वो चाहे हिंदुत्व के नाम से कहीं पर हों, या मुस्लिम के नाम से कहीं पर हों, या बहुजन के नाम से कहीं पर हों, अभी उनको ये अपनी बात रखने की हिम्मत आ गई है कि भाई ये हमारा हिस्सा कितना है, हमारा दो, हमें क्या मिलने वाला है इसमें। तो ये एक जो हिम्मत पैदा हुई, बड़ी छोटी छोटी जातियां उनमें हिम्मत पैदा हुई जो कि सोच भी नहीं सकते थे। बामसेब के प्रचार से पहले, वैचारिक प्रचार से पहले, ये बहुत छोटी छोटी जातियों में ये सोच तक नहीं थी कि उनकी भी कोई अहमियत है इस देश में, चाहे राजनीतिक हो चाहे दूसरी अहमियत हो। सो ये जो एहसास कराने का काम है, ये बामसेब की वजह से हुआ। और लास्ट में एक जो आपको एक क्रांतिकारी जो बदलाव आया कि ये जो संकल्पना है बहुजन संकल्पना, इसने जो कास्ट के रूप में, हम एक बहुत ही छोटी ताकत के रूप में हर कास्ट देख रही थी हमारे में, चाहे शेड्यूल कास्ट की जाती, यहां तक कि अगर चमार महारों को ले लें तो वो भी ऐसा नहीं सोचते थे कि कोई बहुत बड़ी ताकत है वो। इसी तरीके से दूसरी जातियां तो फिर बहुत ही कम संख्या वाली हैं, ऐसे ही ओबीसी में कोई भी एक कास्ट ऐसा नहीं सोचती थी कि वो बहुत बड़ी ताकत वाली, बहुत बड़ी संख्या वाली कास्ट है। लेकिन ये बामसेब ने उनको ये सब सिखाया कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं और हम इस देश में मेजॉरिटी कौम है, मेजॉरिटी ताकत है, हमें खुद को ये कास्ट के तौर पर नहीं देखना चाहिए। तो एक बड़ी एक समाज, बड़े समुदाय, बड़ी एक शक्ति के रूप में, एक वर्ग के तौर पर 85% की संकल्पना ने इनको सोचना सिखा दिया। और उसका परिणाम अब ये है कि जो बाकी जो 15% के दायरे में रह गए हैं, अभी उनके लिए काफी ये मुश्किल होता जा रहा है कि वो कैसे अपना जो धीरे धीरे उनका जो पूरा जो बना बनाया खेल था जो बिगड़ता जा रहा है इनको मूर्ख बनाने का, तो अभी उसको वो कैसे जारी रख पाएंगे। तो ये जो बामसेब की उपलब्धियां हैं, इनके अलावा अगर आप इनको दूसरे पॉलिटिकल इसमें अगर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आज हर किसी को ओबीसी की चिंता है। एक वक्त था जब बामसेब शुरू हुई थी तो 7 नेशनल पार्टियां हुआ करती थी, पता नहीं आप लोगों को जानकारी होगी, सारी पार्टियों के प्रेसिडेंट ब्राह्मण थे। अगर आप 80 में देखेंगे, 80 में तो 80-81 में
ये या 73 में आप देखेंगे सारे प्रेसिडेंट जो थे नेशनल पार्टियों के वो ब्राह्मण होते थे, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, या आपके कांग्रेस हो, या जनसंघ, ये क्या नाम है, दूसरी जो पार्टियां, चाहे कहीं से भी रीजनल बेसिस से निकल के आई हो, ये हालात थे। और इन हालात में आज अगर आप देखेंगे तो सीन बहुत बड़े पैमाने पे बदल चुका है। तब कोई ओबीसी की बात भी नहीं करता था, लेकिन बामसेप ने जब मंडल रिपोर्ट के मुद्दे के साथ में ओबीसी का 10 साल आंदोलन चलाया, तो आज देश की सारी राजनीति, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, अभी ओबीसी सेंटर में आ गया है। वो कितना समझते हैं इस बात को, कितना नहीं, वो एक अलग बात है। अब हमारे सामने जो अभी हमारा जो एजेंडा है, हमारी जो विचारधारा है, जो स्ट्रेटेजी है, उसको कंसोलिडेट हम कितना करते हैं आगे चल के, बामसेप के संगठन की ताकत, क्योंकि बामसेप को फोकस क्या करना है, बामसेप को फोकस क्या करना है, बामसेप को समाज को तैयार करने के लिए सबसे पहला काम जो मानव संसाधन है, कार्यकर्ता जिसको हम बोलते हैं, सदस्य जिसको हम बोलते हैं, कैडर जिसको हम बोलते हैं, ये तैयार करना है। और इसके साथ में आपका प्रचार माध्यम खड़ा करना है, लिटरेचर बड़े पैमाने पर क्वालिटी का लिटरेचर खड़ा करना है, मीडिया जो है वो मजबूत होना चाहिए हमारे पास में। इसके साथ में जो संस्कारीकरण की जो प्रक्रिया है, समाज के एजेंडे के हिसाब से, मैं किसी के इंडिविजुअल एजेंडे की बात नहीं कर रहा हूं, बामसेप के नजरिए से जो समाज का एजेंडा है, उस एजेंडे के अनुसार समाज का एक संस्थागत संस्कारीकरण सिस्टम डेवलप करना है। समाज का एक संस्थागत मतलब इंस्टीट्यूशनल और सस्टेनेबल, जो हमेशा जिंदा रहे, जो हमेशा सक्रिय रहे, ऐसा भरोसेमंद एक संस्कारीकरण का जो तंत्र है वो खड़ा करना है। ये अभी बामसेप के लिए एक बड़ी चुनौती है। और अगर हम ऐसा तेजी के साथ करते हैं तो उतनी ही तेजी के साथ में हम बामसेप के जो मिशन है, जो बामसेप का लक्ष्य है, जो महापुरुषों ने जो दिया देश के शासक बनने का, हर फील्ड में शासक बनने का, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, इस शिक्षा के क्षेत्र में, प्रचार माध्यम के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ये आर्थिक क्षेत्र में, तो ये हम बन सकते हैं अगर बामसेप फोकस तरीके से ये जो तंत्र है वो विकसित कर लेती है। तो बामसेप की जो उपलब्धियां हैं वो बहुत व्यापक हैं, इन पर जितना गंभीरता से चर्चा करेंगे फील्ड वाइज, तो और विस्तार से इनको समझा जा सकता है। जी जी सर, ये भ्रम की स्थिति आपने बना दी। समाज को तैयार करने की जो उपलब्धियां हैं वो समाज के व्यवहार में परिलक्षित होती हैं, परिलक्षित समझते ना, है? जी, दिखती हैं। समाज को आप तैयार कर रहे हैं, जैसे पहले क्या था, SC ST ओबीसी के बीच में, मुसलमानों के बीच में रोजमर्रा के झगड़े होते थे। जी पता जी नहीं जी आपकी उम्र कितनी है, पर मैं तो भुगता है मैंने ये सब, अलीगढ़ का मैंने उदाहरण दिया आपको। ये बामसेप की बदौलत जो वहां पर जागरूकता फैलाई वो बंद हुआ, और वो आपके इधर भी जहां जहां आप लोग रहते हैं वहां बामसेप की वजह से ये सब बंद हो गया होगा, और आज जो RSS के लोग हैं इनको लड़ाने में कामयाब नहीं होते होंगे, अलीगढ़ में तो होते नहीं जी है। बिल्कुल सर, हाँ, तो ये दिखता है। ऐसी तरीके से हमने जो जागरूकता फैलाई कि भाई हम दूसरे के उसमें राजनीतिक नेतृत्व में हम काहे उसके पिछलग्गू बन के रहें, हम हमारी ताकत क्यों नहीं बन सकते, तो ये जो जागरूकता फैली समाज में, उससे जो आज राजनीति है और जो 1971 और 81 के बीच की राजनीतिक जो ताकतें होती थी, आज वो सीन चेंज हो चुका है। तो ये समाज में जो जागरूकता है उसका राजनीतिक परिणति है, ये पॉलिटिकल कंसीक्वेंस है, राजनीतिक परिणाम है ये। इसी तरीके से अगर आप इसमें आर्थिक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो
तो आर्थिक क्षेत्र में पहले हमारे लोग बिजनेस में जाने से डरते थे, अभी आप देखेंगे बिजनेस में जाने वाले लोग बड़ी तेजी के साथ संख्या बढ़ी है उनकी। आपको शायद पता नहीं ये ध्यान में है कि नहीं है, ये हीरे जवाहरात का जो व्यापार करने वाले उनका बहुत तगड़ा संगठन है, हमारे लोगों का बहुत, जिसको डिक्की बोलते हैं, ऐसे ही और भी संगठन है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको हम नाप नहीं सकते, इसको हम नाप सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अभी हम ये समझा रहे लोगों को कि भाई देखो ये जो सरकार है नौकरियां खत्म कर रही, रिजर्वेशन के खिलाफ साजिश हो रही, अगर ये जागरूकता नहीं करें तो वो कामयाब हो जाएंगे, वो लगातार अपनी बात करते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, ये सारा सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन जो समाज को तैयार करने का काम हम करते हैं, उसका ये जो जो हमारे खिलाफ जो साजिश करता है, एक्शन लेता है, काम करता है, उसका बर्ताव एकदम वो फिर डिफेंसिव हो जाता है, पीछे हट जाता है वो, तो ये रिजल्ट है उसका। आज आप देखेंगे जो बहुजन संकल्पना है, बहुजन संकल्पना मतलब हम 85% लोग हैं, हम इस देश की मूल निवासी लोग हैं। अब आप ये देखें कि पहले इस संकल्पना को मतलब अपनाने में लोगों ने इतना डर दिखाया कि वो तैयार नहीं होते थे, ये मानने को तैयार नहीं होते थे। आज वही संकल्पना उसी नाम से आप देखें और मूल निवासी के नाम से देखें, ये जागरूकता का असर है। जैसा ये जाकरडे जी ने बोला था, प्रदीप ने भी उसमें योगदान दिया, तो आज आप देखेंगे कि इनके नाम पर तो संगठन बन ही रहे, अभी बड़े जोर शोर से लोग इनके नारे लगाते हैं, बहुजन नारा लगाएंगे, दूसरे लगाएंगे। बहुजन समाज पार्टी नहीं बनती अगर वामसेप ने लोगों को ढंग से जागरूक नहीं किया होता तो, और फिर उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आती। एक स्वतंत्र रूप से एक पार्टी नेशनल पार्टी बन सकी, ये इतिहास में पहली बार हुआ कि 85% की बहुजन संकल्पना वाली राजनीति के माध्यम से, वो तो अगर उसने मूर्खता नहीं की होती तो कुछ और भी उपलब्धियां होती पॉलिटिकल, अगर उसने बेवकूफी नहीं की होती तो, लेकिन होता है राजनीति में, बेवकूफों की जो है ना कमी नहीं है। तो ये जो उपलब्धि है ये मापने लायक उपलब्धि है, ये अगर वामसेप ने ये इतना समाज में काम नहीं किया होता तो ये होता नहीं है। अभी आप देखिए, आपने ये जो दूसरी पार्टियों को देखिए, अब प्रकाश राव अम्बेडकर को देखिए, दूसरे अगर ये महाराष्ट्र में इतना जागरूकता का काम नहीं हुआ होता, कौन घास डालता उसको? शेड्यूल कास्ट की क्या पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में? 7.5%, 7%, कौन घास डालेगा? लेकिन सिर्फ इस जागरूकता की वजह से, संकल्पना की वजह से, सिर्फ शेड्यूल कास्ट नहीं, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की तमाम जातियां, माइनॉरिटी की तमाम जातियां ये एक्सेप्ट करने लगी हैं। तो ये शेड्यूल कास्ट की लीडरशिप भी एक्सेप्ट करने लगी, ओबीसी के लोगों की लीडरशिप शेड्यूल कास्ट एक्सेप्ट करने लगे हैं, ये दिखती हैं ये चीजें। और ये केवल जागरूकता की बदौलत ही संभव होता है, ये वैसे नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे परिणाम आप अपने अपने इलाकों में जहां जागरूकता का हम काम कर रहे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे लोग बहुत सारे बड़े पैमाने पर जो है वो अपने समाज के ऊपर पैसा लगाने के बजाय आलतू फालतू की चीजों में पैसा उड़ाते रहते थे। अभी बड़े पैमाने पर एम्प्लाईज ने अपना एक आंदोलन चलाने के लिए, संगठन खड़ा करने के लिए, अपना समाज तैयार करने के लिए पैसे लगाने का एक हुनर सीखा, एक आदत डाली है, एक करैक्टर निर्मित हुआ है। तो ये आपको हर जगह दिखेगा, बड़े पैमाने पर दिखेगा, इसमें बहुत सारी चीजें नापने लायक, गिनती करने लायक, दिखने लायक ये बताई जा सकती है। अगर आप अपने इलाके में भी देखें, जहां आप रहते हैं, जिस एरिया को आप देखते हैं, आप देखिए कि वहां इस जागरूकता की वजह से क्या परिणाम निकले। तो ऐसा नहीं है कि समाज की, जैसे बुद्धा का उदाहरण ले लें, कोई भी मिशनरी काम ले लें आप, तो क्या होता है जब समाज जागरूक होता है, ये जो स्तूप बने या राजे महाराजे जो बौद्ध बने, शिलालेख लिखे, इतना बड़ा एक तमाम पूरी दुनिया में ये समाज निर्मित हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये दिखता है ना। और फिर तमाम बड़ी बड़ी जो है ना वो रियासतें, राजे महाराजे, बौद्ध राजे महाराजे पैदा हुए,
तो ये अगर समाज वैचारिक तौर पर उस वक्त बड़े पैमाने पर नहीं बना होता तो जो दिखने वाले जो काम है वो कैसे होते हो, नहीं होते ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जागरूकता के काम को नाप नहीं सकते आप, बिल्कुल परिणाम दिखते हैं। हमारी दिक्कत ये होती है कि हम उनको समझाने में नाकामयाब होते हैं, तो हमको लगता है कि साहब दिखने वाले परिणाम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सो आप उनको कन्वर्ट करिए दिखने वाले आंकड़ों में, दिखने वाली तस्वीरों में, दिखने वाले परिणामों में। आप कन्वर्ट करके बताइए कि ये हालात थे जब जागरूक नहीं था समाज, तब ये हालात थे। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, सातों पार्टियां ब्राह्मणों के प्रेसिडेंटशिप में हुआ करती थी, क्या आज है ऐसा? शेड्यूल कास्ट सोच भी नहीं सकता था कि कोई नेशनल पार्टी भी बना सकता है, कहां भरोसा था ये। लेकिन बनी नेशनल पार्टी, एक बनी, सात पार्टियों में से तीन तो खिसक ली। जैसे ही हमारे समाज में जागरूकता आई मानसिब की बदौलत, आज कितनी नेशनल पार्टियां, तीन ही रह गई उनमें जो साथ हुआ करती थी, और एक आपके पास है बहुजन की संकल्पना के नाम से। तो ये दिखने वाले परिणाम है, ये दिखते हैं। पार्लियामेंट का सीन क्या होता था, 45 से 60% तक ब्राह्मण चुन के आते थे एमपीज जो हैं, एमएलएज भी का भी ऐसे ही होगा, महाराष्ट्र का भी अगर आप पुराना आंकड़ा निकालेंगे तो यही दिखेगा आपको। लेकिन जब धीरे धीरे समाज को जागरूक किया, साला वोट हमारा है, हम इनको बताते और ये हमारी जो है ना वो सत्यानाश करते हैं वहां जाकर के, तो धीरे धीरे वो सीन बदला। वो 60% 45% वाला वो डाउन हो करके 20% पे आ गया, 15% पे, 25% पर भी नहीं रहा अब तो ये हुआ कैसे? जागरूकता की बदौलत हुआ ये। आज हर पार्टी अपना जो चीफ मिनिस्टर है राज्यों में, या तो ओबीसी को डिक्लेयर कर देती है किसी को, या डिक्लेयर करती नहीं। अब वो अलग बात है, जैसे उत्तर प्रदेश में वोट लेने के बाद फिर वो उसको बना दिया ठाकुर को, ये धोखाधड़ी वाला मामला है। वोट तो लिया किसी और नाम से और चीफ मिनिस्टर किसी और को बना दिया, ये दो पॉलिटिकल धोखाधड़ी है। तो ये भी अगर समझाएंगे तो इसका भी लोग जवाब देंगे और वो दिखेगा रिजल्ट। सो जागरूकता का जो रिजल्ट है, आप अगर उसको कन्वर्ट करेंगे दिखने वाले उसमें परिणाम में, तो वो आप समझा सकते हैं लोगों को, ये देखो ये इतना आया कैसे है, ये जागरूकता से ही आया ना, नहीं तो जागरूकता से पहले का बता दो फिर कि जब नहीं किया था बामसेम ने जागरूक, तब हालत क्या थे। सो ये दिखता है, बस हमारे समझाने में ये फर्क हो सकता है। सारे दर्शकों को वाईफाई लगवाना चाहिए अपने घरों में ताकि डाटा की कमी ना हो। ये जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आज जितनी हमने जो बातें की हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए समाज को, हमारे सभी काम करने वाले साथियों को, सपोर्ट करने वाले साथियों को, वेल विशर्स को, ये भरोसा रहना चाहिए कि हम सही आंदोलन चला रहे और हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे, हम हारने वाला आंदोलन नहीं चला रहे। पहले भी आंदोलन चले और जब तक चले बहुत तो उन्होंने परिणाम दिए, लेकिन जब रुके तो फिर उतना ही पीछे हट गए। मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम जिस रणनीति से चल रहे वो निश्चित ही स्टेडीली जो है, मतलब लगातार हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। युद्ध है, युद्ध में हमने जो रणनीति अपनाई है वो जीत सुनिश्चित करने वाली रणनीति है। इसकी एक ही शर्त है कि जिस संगठन को हम बामसेप नाम का संगठन कहते हैं, वो हमें गांव लेवल तक, कॉलोनी बस्तियों तक वो संगठन मजबूती के साथ हमको खड़ा करना होगा। और उसके लिए, वो संगठन खड़ा करने के लिए क्या करना है हमको, जो हमने इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल संस्थागत जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व की जो संकल्पना है, उसको ईमानदारी से, प्रभावी तरीके से, हर स्तर तक
उसको लागू करना पड़ेगा, नेशनल लेवल पर भी, राज्य लेवल पर भी, जिला स्तर पर भी, तालुका स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी, और उसके नीचे भी हम अगर जो सेंटर्स बनाते हैं तो वहां तक हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल जो लीडरशिप है, मतलब जब हम एक डिसीजन ले रहे हैं वहां तो डिस्कशन से होना चाहिए, जो भी लोगों की टीम है 20 की है 25 की है, लेकिन डिसीजन लेने वाला वो डिस्कशन के आधार पे डिसीजन लेता है, फिर वो उसका नहीं रहता। मैं अभी भी ये देख रहा हूं कि हम इस आदत के अभी सिपाही नहीं बने हैं। ऑलमोस्ट 90% जो हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, चाहे एक्टिव मेंबर्स हैं, इस आदत के शिकार नहीं बने कि एक बार चर्चा हो गई और फिर उस पर जो भी प्रिसाइड कर रहा है, उसकी जो अध्यक्षता कर रहा है चर्चा की, उसने फैसला कर लिया तो फिर वो हमारा सबका डिसीजन बन जाता है और उसको लागू करने में सबको पूरी बराबरी की हिस्सेदारी, समझदारी और जिम्मेदारी से उसे लागू करने में जुट जाना चाहिए। ये बात नेशनल लेवल पर, ये राज्य स्तर पर, ये जिला स्तर पर, ये तालुका स्तर पर, ये ब्लॉक स्तर पर, और ये ब्लॉक से नीचे जो हम सेंटर्स संगठन के जो खड़े करेंगे या कर भी रहे होंगे, वहां पर ये हमारे चरित्र में आ जानी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक लीडरशिप। और ये अगर हम ईमानदारी से और पूरे प्रभावी तरीके से इसको अगर हम लागू कर देते हैं तो संगठन निर्माण की जो प्रक्रिया है बहुत तेज हो जाएगी। सिर्फ हमको करना यही है कि हम इसको ईमानदारी के साथ इसको हम लागू कर दें, तो फिर जो आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, वो कार्यकर्ता भी बनेंगे और अपने अपने इलाकों में तेजी के साथ संगठन को फैलाएंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ और मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारा जो युद्ध है, जिस युद्ध में हम उतर चुके हैं पिछले तकरीबन 48 साल से, ये युद्ध हम बहुत बड़े पैमाने पर, तो हमने दुश्मन को नीचे दबा लिया है, आपको महसूस न कर पाए, आंकड़े अगर निकालेंगे और समाज के सामने रखेंगे, अपने सामने भी रखेंगे, आपको बिल्कुल क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा कि आपने दुश्मन को दबोच लिया है, घुटनों के बल उसके ऊपर आप सवार हो चुके हैं। अब आपको आखिरी जो एक दांव मारना है और उसको पूरी तरह से परास्त कर देना है, और ये दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं सभी साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं और ये भरोसा भी देना चाहता हूं कि अब हम आखिरी जो दांव है वो युद्ध का आखिरी जो विजय पताका है वो फहराने की तैयारी में हम जो है लगे हुए हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यमासी, जय संविधान। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले, साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जनजागृति की मुहिम में जुड़े रहें।